ऋषि और किसी प्रधान भारत के देशवासियों, मैंने सुना है कि सरकार ने जीवित पशुओं के निर्यात की नीति के बारे में विचार आमंत्रित किए हैं। कल 17 तारीख उसकी आखिरी तारीख है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा महान भारत देश, जिसने पूरे विश्व का हमेशा मार्गदर्शन किया, उस देश से जीवित पशुओं का निर्यात कैसे हो सकता है? अरे हम तो चींटी को आटा डालते हैं, चिड़िया और कबूतर को दाना डालते हैं, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को हम कहते हैं। उस देश से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये देश, भगवान महावीर का, नानक का ये देश, उस देश से जो है कैसे जीवित पशुओं का निर्यात हो सकता है? और भला ये क्या बात हुई ये कहना कि दुधारू नहीं है? क्या मेरी माँ ने दूध पिलाना जब बंद कर दिया, मैं उसे घर से निकाल दूं? वो उपयोगी नहीं है? क्या मेरा पुता जब लाचार हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं उसे जिंदा जला दूं? अरे भला कोई भी देश विचार के बल पर जीवित रहता है, और भारत में सदैव विचारों के बल पर मैं निवेदन करता हूं, इसलिए सरकार से, प्रशासन से, न्यायालय से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने देखा है, वो मोर को भी दाना खिलाते हैं करुणा के होकर के, वो नवरात्रि में उपवास रखते हैं, स्वयं शाकाहारी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप सरकार को रोकिए इस प्रकार का निर्णय करने से। मैं निवेदन करता हूं भारतीय संस्कृति की बात करने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, महान शंकराचार्यों से, आचार्यों से, गच्छाधिपतियों से, महामंडलेश्वरों से, ऋषि मुनियों, साधु साधियों से, और खासकर उनसे जिनके मिलियंस और मिलियंस फॉलोवर्स हैं। अगर आज के दिन आप नहीं जागे, श्रद्धालुओं को नहीं जगाया, और ये बिल अगर पास हुआ, तो आप भी पाप के भागीदार होंगे। आप कहेंगे कि मैं अकेला देशवासियों, मैं अकेला व्यक्ति क्या कर सकता हूं? अरे आप विरोध दर्ज कराइए, कम से कम आप उस पाप के भागीदार बनने से बच जाएंगे। मैं दुखी मन से अमेरिका की धरती से अपील कर रहा हूं, आज रात रात के अंदर इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सरकार भारत देश से जीवित पशुओं के निर्यात के विचार को त्याग दे, त्याग दे, त्याग दे, त्याग दे।